हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1793 को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर का मतलब है एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चार्टर एक्ट आया था सेवनटीन में जिसे चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन कहते हैं हर ट्वेंटी ईयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक एक्ट पास करती है चार्टर एक्ट 1793 को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो जैसा कि हमने बताया हर ट्वेंटी ईयर्स में एक एक्ट आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जैसे कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था फिर 1793 में 1813 में 1833 में और 1853 में भी एक चार्टर एक्ट आया था तो हर बीस साल में एक एक्ट आता था अब इस एक्ट के टर्म्स को समझ लेते हैं इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्वेंटी ईयर्स के लिए मोनोपली दे दी थी मोनोपली मीन्स कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आराम से इंडिया में ट्रेड करेगी ब्रिटेन की कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी इस एक्ट में गवर्नर जनरल की पावर्स को बढ़ा दिया गया था गवर्नर जनरल अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को भी ओवर रूल कर सकता था गवर्नर जनरल को अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ज़्यादा पावर्स मिल गई थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसकी सैलरी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी लेकिन इस एक्ट में यह डिसाइड हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी ईस्ट इंडिया कंपनी देगी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पार्ट या पोर्शन टेन परसेंट तक बढ़ा सकती थी सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइव लाख ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होंगे क्राउन को इस एक्ट में ये पावर मिल गई थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू को जरूरत पड़ने पर अपने डिफेंस में यूज कर सकते हैं इस एक्ट में ही कंपनी के रेवेन्यू और जुडिशल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था और इस एक्ट से रेवेन्यू कोर्ट बंद करवा दिए गए थे रेवेन्यू कोर्ट्स को माल अदालत भी कहते थे तो गाइज़ ये था चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी था चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं इस एक्ट में ट्वेंटी ईयर्स की मोनोपली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी और गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया था अब गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवर रूल करने का भी अधिकार मिल गया था इस एक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी देगी ईस्ट इंडिया कंपनी टेन परसेंट तक अपना पोर्शन बढ़ा सकती थी कंपनी को फाइव लाख ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने होंगे जरूरत पड़ने पर क्राउन कंपनी के रेवेन्यू को अपने डिफेंस के लिए भी यूज कर सकती थी और लास्ट पॉइंट है कंपनी के रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को भी सेपरेट कर दिया गया था और माल अदालत को अबॉलिश कर दिया गया था तो गाइज़ ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें थैंक यू